कहीं नहीं मिलेगी मार्केट में, अपने पास है बस। ये कहाँ पे 60 के दो नहीं, अच्छे से रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू भैया, चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्षय ब्लॉग्स, स्वागत है तुमचं एका नवीन व्हिडिओ मध्ये। आपल्या सोबत आज पण आहे अक्षय, आणि अक्षय आणि मी आज सुद्धा आलो आहे कर्णपुरेला। तर आज तिसरा दिवस आहे यात्रेचा, तर आजपासून सर्व पाळणे वगैरे ते चालू झालेले आहेत। तर आज बऱ्यापैकी तुम्ही बघू शकता, मागच्या व्लॉगमध्ये जो पाळणे वगैरे होते, लाईट्स वगैरे बंद होते, त्यामुळे एवढं क्लिअर बघायला भेटलं नव्हतं। तो व्लॉग तुम्ही बघितला नसेल तर आयकार्डला लिंक देतो आहे, तिथं येऊन जाईल, तो नक्की बघा, त्यानंतर हा व्लॉग बघा। तर आता तुम्ही बघू शकता की पाळणे वगैरे सगळं चालू झालेलं आहे इथं, राईड्स वगैरे, आणि गर्दी पण वाढलेली आहे। आणि यात्रेला मेन जी यात्रा आहे ती आता सुरू झालेली आहे, तर आता एंटर करतोय आपण मध्ये, तर चला भेटूयात। Give me all you've got if you're prepared to break the silence. So guys, आज आता मी जास्त बोलणार नाही आहे, इथं जास्त गर्दी आहे, तर आज तुम्हाला फक्त सीन दाखवतो। तो ये यहाँ पे जो पालना है उसके सामने ही गाड़ी है भैया की, तो भैया से मिल जाना, मिल के लेना आने के बाद। तो ये भैया की यहाँ पे गाड़ी है, ये भैया हमारे यहाँ पे। तो जब भी आओगे गाइस तो भैया के पास आइसक्रीम खाने आ सकते हो आप लोग, ठीक है। दर्शन हो गए आपका? भैया नमस्ते, दर्शन बहुत बढ़िया हुआ, गति बहुत थी, अच्छा दर्शन हुआ है। लेकिन कोरोना के वजह से दो साल से जो सरकार ने जो लॉकडाउन जो किया था, उसके हिसाब से आज बाकियों को, आज जितने भी लोग यहाँ आए दर्शन के लिए, काफ़ी अच्छे लोग मजे से दर्शन कर रहे हैं, आराम से दर्शन कर रहे हैं। प्लीज़ पे फॉर केयरफुल, अच्छे से दर्शन करना, अच्छे से ये करना, केयरफुल रहना। और यहाँ पे जितने भी रैली लगी हुई है, खाने पीने के जो भी लगे हुए हैं, तो सोच समझ के अच्छे से वीक और वीक एंड पूरी तबियत देखते हुए खाना खाने का, टेंशन लेना नहीं, अच्छे से रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू भैया, चलो। जशी की ते दोन पाळणे चालू आहे, हा सध्या तरी बंदच आहे, आणि गर्दी आजपासून वाढायला सुरुवात होईल, तर चला बघूयात। परमिशन भेटली नाही ॲक्च्युली, तर तो विजेचा त्याचा तारा बघू शकता, त्याच्या जास्त क्लोज आल्यामुळे त्या पाळण्याला जो आहे परमिशन भेटली नाही आहे। We'll be right back.
आलो होतो तर पावसामुळे थोडासा इथं चिखल वगैरे झाला आहे, जास्त सोय वगैरे नाही आहे. आणि इकडे सगळे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहेत, तुम्हाला काही खरेदी वगैरे करायचं असलं तर या सेक्शनला करू शकता. आणि पूर्ण राईड्स वगैरे पाहणं वगैरे या मागच्या सेक्शनला आहे, तिथे तुम्ही एन्जॉय करू शकता. पण मी सजेस्ट करेल की शक्यतो इथे येताना थोडंसं केअरफुली या, कारण की बाहेरचं खाणं थोडंसं हे असं असतं आणि इथं चिखल वगैरे पण जास्त आहे, त्यामुळे तुम्हाला थोडीशी काळजी घ्यावं लागेल. जर येत असाल ना थोडं केअरफुली या, शूज वगैरे चांगले घालून या, कारण चिखल जास्त आहे. आणि अक्षय आत्ता सटकला तर मी पण 2-3 वेळेस स्लिप झालो, तर त्यामुळे तुम्हाला इथे जर येत असाल तर तुमचे कपडे खराब होऊ शकतात. आणि तुम्ही बघू शकता खूप जास्त असं चिखल इथे पावसामुळे. आणि इथे खाण्यापिण्याचे पदार्थांचे हॉटेल वगैरे, स्टॉल वगैरे. आणि त्यानंतर समोर तिकडे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहे जिथे तुम्ही शॉपिंग करू शकता. मागच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं मंदिराचा परिसर, आता या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला शॉपिंग वगैरे दाखवणार आहे. Show me loving. I need your loving. Cause I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving. So guys, इथे बरंच काही सामान वगैरे आहे, पर्स वगैरे आहे लेडीजसाठी, खेळण्या वगैरे पण आहे. तुम्हाला वाटलं तर इथे घेऊ शकता. हर माल आहे 100 रुपीजला, 100 रुपयामध्ये पूर्ण कोणती पण वस्तू घेऊ शकता तुम्ही इथे. सो गाईज, यहाँ पे हमें एक दोस्त मिले तो इनको अभी चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं. एंड यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स वगैरह है जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं. ये कल परसों आया था मैं, तो परसों का है. ये भैया का दुकान है यहाँ पे, यहाँ पे हर माल है, 100 रुपये में कोई भी चीज़ ले सकते हो आप लोग. तो ये इन भैया का दुकान है, तो अगर कर्णपुर आते हो आप लोग तो इनसे जरूर मिले. एंड यहाँ पे उनके शॉप है, पर्स वगैरह, लेडीज पर्स, हर माल 100 रुपये, तो काही पण वस्तू तुम्हाला इथे 100 रुपयाला भेटेल हर माल. तर खूप असे छान छान खेळण्या वगैरे, गाड्या वगैरे आहेत लहान मुलांसाठी, मोटर बंदूक. यहाँ पे लेडीज बॅग, लेडीजच्या बॅग तुम्हाला मिळतील. छोटे पाऊच यूट्यूब. हां, सो गाईज इथे तुम्ही बघू शकता लेडीज पर्स वगैरे आहे, खेळण्या वगैरेचे दुकान आहेत. आणि त्या इथून तुम्हाला पूर्ण शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इथं भेटेल, इथून तुम्ही शॉपिंगसाठी येऊ शकता. फक्त एवढं आहे की इथे रस्ता चांगला नाही आहे, चिखल झालेला आहे यावेळेस, त्यामुळे चालायला थोडासा प्रॉब्लेम होऊ शकतो तुम्हाला. आणि खूप सारे असे घर भांड्यांचे दुकानं वगैरे, तुम्हाला घरातले जे भांडे वगैरे पाहिजेत ते घेऊ शकतात. आणि खूप सारे असे दुकानं आहेत इथे. आणि इथून पुढे खाण्यापिण्याचे स्टॉल वगैरे चालू होतात. तर चला अजून पुढे दाखवतो काय काय आहे तुम्हाला बघण्यासारखं, भेटूयात. आणि आहो भैया आहो. तर हे हमारे दोस्त मिले यहाँ पे कुछ. सो गाईज, इथे घरातल्या वस्तू आहेत, तुम्हाला ज्या घरातले सामान वगैरे लागेल तुम्ही इथून घेऊ शकता. इथे सगळे तुम्हाला भांडे वगैरे बघायला भेटतील, लाटणे वगैरे. तर इथे खूप सारं सामान आहे. सो गाईज, यहाँ पे देख सकते हो सेल चालू है 20% का. तो यहाँ पे बहुत सारे सामान वगैरह है जो कि आप लोग ले सकते हो. हर माल 30 रुपये, यहाँ पे 30 रुपये का है. तो बहुत सारे यहाँ पे सामान वगैरह है घर के लिए. यांना दादा या, तर आपल्याला हे दादा भेटले तिथे. हो, तर कसं झालं दर्शन वगैरे झालं तुमचं? हो, दर्शन झालं. हां, आता चला
आपण बघूयात अजून काय काय सामान येते. कोणतं चांगलं माझं अक्षय मोरे व्लॉग्स म्हणणं. सो गाइस ये यहाँ पे भैया है, यहाँ पे 30 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए सब हर माल है. यहाँ पे आपको घर की सारी यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी. तो भैया आपको आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए एक बार. तो चलिए अभी और देखते हैं कि क्या क्या सीन है. एंड ये अक्षय का भी व्लॉग चालू है. हाँ ये भी 50 रुपये. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये डब्बे वगैरह 50 रुपये. ये भी सेल जो है 50 रुपये कम्पोस्ट में. ये कप 50 रुपये. ये कप भी 50 रुपये में. डिजाइन है इसके अंदर. ये भी बड़े बड़े कॉफी मग वगैरह कप जो है आपको 50 रुपये में यहाँ पे मिल जाएंगे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप लोग एक बार विजिट कीजिए तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे. 50 रुपये में. 50 रुपये में एक नंबर. 50 रुपये. तो यहाँ पे डिश वगैरह भी है बहुत सारा. यहाँ पे 30 रुपये का हर माल है. 50 रुपये में कहीं नहीं मिलेगी मार्केट में अपने पास है बस. ये कप है 60 के 2. 60 के 2. 60 के 2. अच्छा ये 60 के 6. 120 रुपये डजन. 60 के 6. अच्छा तो गाइस यहाँ पे बहुत सारा माल है जो कि आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे आके. मंगलसूत्र भी है 10 रुपये. तो यहाँ पे हर माल भी है बहुत लेडीज के लिए. 10 रुपये से चालू है यहाँ पे. 10 रुपये में हर माल कोई भी माल उठा सकते हो आप. 10 रुपये में ओनली. तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. सो गाइस ये सर इनका शॉप है. तो यहाँ पे आपको हर माल मिल जाएगा. यहाँ पे बहुत सारा सामान है आपको घर के लिए जो लगता है वो. चाइना बाजार. जैसे कि चाइना बाजार है जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया. तो ज़रूर विजिट कीजिए यहाँ पे सर के पास. तो चलिए अभी देखते हैं आगे और क्या क्या शॉप्स है. तो गाइस इथे बघू शकता बहुत खूप सारे भांडे स्टीलचे वगैरे 120 रुपयाला. आणि इथून जे तो मेन रोड चालू होतो आणि इथून तुम्ही या सेक्शनला एंटर करू शकता. इथून तुम्हाला भांड्यांचे खेळण्यांचे वगैरे दुकाने भेटतील जे की तुम्हाला आता मी दाखवलो. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेल है. 100 रुपीज़ में कोई भी टॉयज वगैरह ले सकते हो आप. तो यहाँ पे भैया का दुकान है, ज़रूर आइए भैया के पास. यहाँ से आप लोग बच्चों के लिए बहुत सारे आपको टॉयज मिल जाएगी. तो जैसे कि देख सकते हो बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पे स्टडी मटेरियल वगैरह. तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए भैया के पास. तो ये जैसे आप एंटर करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो सारे के सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से पूरी खरीदी कर सकते हो आप लोग. तो चलिए अभी नेक्स्ट दिखाता हूँ आप लोगों को. चश्मे की दुकान है क्या कोई पहचान की आपकी? अच्छा तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है बैंगल्स वगैरह लेडीज़ की ज्वेलरी कलेक्शन. तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग. नक्की चेकआउट करा हे वाला दुकान, भारी वाटलं मला स्पेशली मुलींसाठी. तो ये है बैंगल्स कलेक्शन सारे के सारे लेडीज़ के लिए. तो बहुत सारे आपको कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा. जैसे कि देख सकते हो चूड़िया वगैरह है, ब्रासलेट नेकलेस. तो बहुत सारे यहाँ पे कलेक्शन है गर्ल्स के लिए. तो यहाँ पे भैया मिल जाएंगे, ज़रूर आइए भैया के पास शॉपिंग कीजिए यहाँ पे. तो चलिए भैया थैंक यू. यूट्यूब पर देख रहे हैं आप? चल इकड़ा समोर पर है. सो गाइस अभी भैया का यहाँ पे 2-3 शॉप्स है तो भैया के शॉप्स हम कवर करेंगे. तो चलिए. सो गाइस यहाँ पे जिसके आप लोग देख सकते हो घर के लिए आपको यहाँ पे गुलदस्ते फ्लावर पॉट्स वगैरह मिल जाएंगे. तो बहुत सारे ब्यूटीफुल यहाँ पे फ्लावर पॉट्स है. ढोलकी भी है अगर आपको बच्चों के लिए ढोल वगैरह ताशे वगैरह लेना है तो यहाँ से ले सकते हो आप लोग. वो लकड़ी से बचते हैं. यहाँ पे ये टोपीज़ वगैरह है सारी के सारे. यहाँ पे आपको कैप वगैरह मिल जाएगी, जितने भी कैप्स बॉयज़ के लिए चाहिए गर्ल्स के लिए चाहिए. तो यहाँ पे हर टाइप के यहाँ पे कैप्स वगैरह अवेलेबल है. तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो एक बार. तो यहाँ पे आपको ये भैया मिल जाएंगे. तो इन भैया का ही शॉप है ये. बहुत सारे 2-3 शॉप्स हैं इनके. तो इन्होंने हमें लाया है यहाँ पे. सो गाइस यहाँ पे गॉगल्स वगैरह है अगर आपको गॉगल्स वगैरह लेना है तो यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएगा आपको. मुझे गॉगल लेना है तो मैं गॉगल देख रहा हूँ. तो इस टाइप में ट्रांसपेरेंट में मुझे गॉगल चाहिए था एक, जो कि हम रात में भी यूज़ कर सकते हैं.
बढ़िया तुम्ही पण कमेंट करून सांगा गेला तो कसा वाटतो दुसरा ट्राय तो गोल वाला भी एक ट्राय करेंगे अपन। हाँ सो गाइस ये एक है पॉप वगैरे ठीक आहे ना शरीफ सो गाइस फाइनली ये फाइनल किया है मैंने ये गॉगल तो ये गॉगल ले रहे भैया से तो भैया को बहुत बोर किया सॉरी भैया ज़्यादा पकाया भैया तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए बहुत पकाया भैया को हाँ हाँ नहीं लेकिन फेस को भी अच्छा लग रहा है ना हमें भी सो गाइज अभी रिटर्न जा रहे हैं हम लोग तो यहाँ से देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे खाने के स्टॉल्स वगैरह भी मिल जाएंगे एंड अभी भीड़ थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 9:30 बज चुके हैं तो चलिए देखते हैं आगे का सीन। सो गाइज आपको यहाँ पे अलग अलग किचन मिलेंगे जहाँ पे आप आपका खुद का नाम वगैरह डाल के किचन बना सकते हो कस्टमाइज। तो ये भैया का दुकान है तो यहाँ पे आके तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आप लोग नाम वगैरह यहाँ पे किचन से बना सकते हो तो बहुत सारे यहाँ पे सैंपल है तो बहुत सारे आपको यहाँ पे अलग अलग किचन मिल जाएंगे। तो ये सर का दुकान है यहाँ पे तो जरूर विजिट कीजिए एक बार। तो गाइस यहाँ पे भैया मिले तो सब्सक्राइब करते ना भैया ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं आगे यहाँ से एक कोई राइड में बैठेंगे मोर का कुआ वगैरह देखने का प्लान है तो चलिए चलो। तो गाइस यहाँ पे अभी बेल खा रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हो फूड स्टॉल है तो यहाँ पे खाने पीने के लिए आप लोग आ सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे मेन्यू मिल जाएगा। Oh, 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 are you dreaming of me now?